सरकार के नए गाइडलाइन के अनुसार से हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हमें फ्यूचर में कई सारे बेनिफिट सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डीके टेक इन्फॉर्मेशन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं, या फिर आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं है। इसे चेक करना बिल्कुल आसान है। इसके लिए आप ई फाइलिंग के ऑफिशियल साइट पर आना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्विक लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर यदि आपके पास पहले से पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप इंस्टेंट पैन कार्ड बना सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हमने पहले ही वीडियो बना रखा है, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। यदि हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या फिर नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे लिंक आधार स्टेटस पर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो पैन कार्ड नंबर है उसे आपको फिल करना होगा। आपका जो आधार कार्ड नंबर है उसे आपको फिल करना होगा। अब यहाँ पर आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यदि आपका पैन कार्ड लिंक्ड है तो यहाँ पर ऑलरेडी लिंक्ड करके मैसेज देखने को मिलेंगे। बाय चांस यदि आपका यहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं होते हैं तो फिर से आपको होम पेज पर आने हैं। यहाँ पर क्लिक करना है आधार लिंक पर। अब यहाँ पर आपको तीन स्टेप में अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेम उसी प्रकार से अपना पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। अब यहाँ पर हम वैलिडिटी पर क्लिक करेंगे। चूंकि हमारा जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से पहले ही लिंक है, तो यहाँ पर आगे के स्टेप नहीं होंगे। यदि आपका यहाँ पर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप आगे के स्टेप को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहला स्टेप बता ही दिया। यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर भरना है, नीचे आपको आधार नंबर भरने हैं। वैलिडिट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा। आपके आधार नंबर में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आपका जो यहाँ पर स्टेटस है वो आपको बता दिया जाएगा, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है वो पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।